The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ड्रग्स माफिया वे गैंगस्टर तस्लीम की सोतीगंज स्थित एक और संपत्ति को मेरठ पुलिस ने आज जब्त कर लिया। जेल में बंद ड्रग्स माफिया की उस संपत्ति को पुलिस प्रशासन बराबर जब्त करता आ रहा है जो उसने अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होकर कमाई है। आज मेरठ सदर थाना क्षेत्र के सोतीगंज में जब पुलिस पहुंची तो सन्नाटा पसर गया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस ने आज जब्तीकरण की कार्रवाई की। इससे पहले वहां लाउडस्पीकर से बराबर इसकी घोषणा की गई। देखिए पुलिस कार्रवाई का नजारा। खाली जब पहले बता गए थे तो क्यों नहीं किया? अच्छा तीन बार तो बता के चलेगा, जल्दी से निकालो फटाफट। शशिकांत लाइटिंग प्रॉपर है, बढ़िया एकदम मेरठ के आदेश के अनुक्रम में पूर्व किया जाता है। ये आदेश डीएम साहब का है, ये संपत्ति अब न खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है। धन्यवाद। इस बारे में एसपी विवेक यादव ने यह जानकारी दी। देखिए तस्लीम जो है यहाँ का एक बड़ा ड्रग्स माफिया एवं गैंगस्टर है, उसके ऊपर आज ये धारा 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये जो प्लॉट है इसकी अनुमानित व्यवसायिक कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और इसके पहले भी इसकी 3 दुकानों की कुर्की की जा चुकी है। इसकी अन्य भी जो अपराध से अर्जित संपत्तियां हैं बहुत सारी संपत्तियों की 14 एक गैंगस्टर एक्ट अंतर्गत कुर्की की जा चुकी है। तस्लीम अभी जेल में है, कुछ जो फरार हैं उनकी भी तलाश जारी है। जो फरार है उनके ऊपर इनाम घोषित है, इसके 2 बेटे हैं और एक इनकी जो वाइफ है उनके ऊपर इनाम घोषित है। देखिए तस्लीम जो है एक बड़ा ड्रग्स माफिया है यहाँ का, उसके ऊपर करीब 53 से ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके ऊपर आज जो 14 की कार्रवाई की जा चुकी है की जा रही है, उसी तरह की बहुत सारी कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है। देखिए इसी आदेश के अंतर्गत जो पहले की जा चुकी है करीब 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कुर्की जा चुकी है, 1 करोड़ की आज ही की जा रही है। इसके अलावा भी और इसकी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, उसके ऊपर भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए वो जब कुर्की की कार्रवाई की जाएगी उसी समय आपको बताया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।